हेलो, दिस इज अभिनय। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस एंड इट इज नॉट मेड टू डिफेम एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का वीडियो है एक ऐसे चीज के बारे में, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो एक समय पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो वो है द हर्षद मेहता स्कैम, विच वॉज द 1992 स्कैम। 1992 में जो स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था उसका मास्टरमाइंड था हर्षद मेहता। तो पहले तो मैं हर्षद मेहता की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हर्षद मेहता का जो बर्थ है वो हुआ था राजकोट में, एक बहुत ही पुअर फैमिली में। उसने अपनी स्कूलिंग किया, फिर उसके बाद में उसने कॉलेज में बीकॉम की डिग्री लिया और उसके बाद में वो 8 साल तक ही उसने कुछ ऐसे छोटे मोटे और जॉब्स किए। लेकिन 8 साल बाद उसकी किस्मत शायद तक के पलटने वाली थी। 8 साल बाद में उसने इंडियन अश्योरेंस कंपनी में एज अ शेयर्स पर्सन ज्वाइन किया, जहाँ पे उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज मिला। तो फिर उसने मतलब उसमें उसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लग गया। तो 1 साल के अंदर अंदर ही उसने वो जॉब छोड़ दिया और उसने फिर एक ब्रोकर मैनेजमेंट कंपनी में उसने वो उसने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे उसने काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर्स थे उनके साथ भी कनेक्शंस बनाए। और तीन साल वहाँ पे काम करने के बाद में उसने वो भी छोड़ दिया, उसने वो मैनेजमेंट फर्म भी छोड़ दिया और उसके बाद में वो एक ब्रोकर बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद में उसने खुद की एक कंपनी भी खोला, खुद का फर्म खोला जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म। जो ये फर्म जो उसका खुद का फर्म था वो खोला उसने। तो ये तो हो गया चलो बैकग्राउंड का। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि एक्चुअली स्कैम कैसा था, एक्चुअली स्कैम हुआ क्या था। तो स्कैम ये था, तो पहले तो हम बेसिकली जान लेते कि उस समय जो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके गाइडलाइंस थे कुछ, उस समय कुछ गाइडलाइंस थे, कुछ रूल्स थे कि हर बैंक के पास में मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रहना चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तहत। हर बैंक के पास में मिनिमम गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, जो मनी है वो रहना चाहिए। तो और हर वीक के एंड में वो चेक करती थी RBI कि क्या हर बैंक के पास में वो मिनिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है क्या, और अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वो बैंक को पेनल्टी भरनी पड़ती थी अगर उसके पास में वो मिनिमम नंबर ऑफ सर्टन नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है। तो अभी इसमें दो तरीके के बैंक्स आ गए, स्ट्रॉन्ग बैंक्स और वीक बैंक्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बैंक्स कैसे थे कि स्ट्रॉन्ग बैंक्स मतलब कि ये जो थे वो बड़े बैंक्स थे, तो इनके पास तो बहुत पैसा ही पैसा था, तो इनके पास तो ऐसा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो वीक के एंड में शो कर ही सकते थे ऑब्वियसली, उनके पास इतने सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते थे। प्रॉब्लम थी वीक बैंक्स के साथ में, जो छोटे बैंक्स थे। तो छोटे बैंक्स क्या करते थे कि उनके पास उतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं है, तो वो क्या करते थे कि वो स्ट्रॉन्ग बैंक से लोन लेते थे टू शो देयर मिनिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन होता था वीक बैंक्स और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के बीच में, ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं होता था, ये होता था थ्रू अ ब्रोकर, और ऐसा ही एक ब्रोकर था हर्षद मेहता। अभी हर्षद मेहता ने क्या किया कि हर्षद मेहता ने कहा वीक बैंक से कि तुम मतलब मेरे को एक क्या बोल सकते हो, मेरे नाम पे एक चेक इशू करो हर्षद मेहता के नाम से, ठीक है, पर मेरे को थोड़ा टाइम दो मनी अरेंज करने के लिए, मैं तुमको मनी अरेंज करके दूंगा। उसके बाद हर्षद मेहता गया स्ट्रॉन्ग बैंक के पास में एक, और उसमें फिर उसने उनसे बोला कि आप मेरे को कुछ लोन दो, मेरे को वीक बैंक्स को देना है, और कुछ मेरे को समय दो, उसके बाद में आपको वो लोन विथ इंटरेस्ट लौटा दूंगा। तो दोनों के पास इसने समय मांगा, वीक बैंक्स के पास में भी समय मांगा और स्ट्रॉन्ग बैंक्स के पास में भी समय मांगा। और ये जो समय था यही बहुत बड़ा फ्लॉ था, जो एक्स्ट्रा टाइम मांगा था यही बहुत बड़ा फ्लॉ था एक्चुअली। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि एट द एंड कैसा हो जाता था कि वीक बैंक्स को भी पैसा मिल जाता था और स्ट्रॉन्ग बैंक्स को भी पैसा मिल जाता था विद देयर प्रॉफिट। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर्षद मेहता के पास इतना ये पैसा आता कहाँ से था। तो वो
उसका आंसर छुपा है उस एक्स्ट्रा टाइम में जो वो मांगता था। तो जो स्ट्रॉन्ग बैंक से वो पैसा लेता था, उसको वो जो अपने अकाउंट में रखता था, और वो अकाउंट में से वो पैसा वो शेयर मार्केट के कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था, और बहुत सारे स्टॉक्स वो खरीद लेता था, काफी सारे स्टॉक्स। अब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने की वजह से क्या हो जाता है कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं उसके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो और इन्वेस्टर्स है जिनको स्टॉक्स खरीदने हैं, जिनको शेयर्स खरीदने हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं, तो वो स्टॉक्स की वैल्यू और बढ़ जाती थी। तो वो इस तरीके से वो होता था, और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करने लग गए थे। तो एट द एंड स्ट्रॉन्ग बैंक्स भी सेटिस्फाइड थे, वीक बैंक्स भी सेटिस्फाइड थे। तो वो तो फिर इस तरीके से वो उनको मतलब पैसे दे देता था, और जब उसको स्टॉक मार्केट पे प्रॉफिट होता था, तो उस समय ही वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स को जब उसको स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट होता था, जब जैसे ही उसको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट उठा के वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स को दे देता था, और उसके पास भी काफी कुछ प्रॉफिट बच जाता था, क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यू तो काफी कुछ बढ़ चुकी रहती थी ना, क्योंकि उसने काफी सारे स्टॉक्स खरीदा था। तो स्टॉक्स बहुत सारे खरीदे गए हैं, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, उसके पैसे बढ़ गए, तो और इन्वेस्टर्स आएंगे, वो भी स्टॉक्स खरीदेंगे, तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती थी। तो इसलिए इसने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमाया था। सब कुछ सही चल रहा था, कुछ क्राइम नहीं चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जो हर्षद मेहता था, ही स्टार्टेड बिकमिंग ग्रीडी, वो लालची हो गया था। तो उसने कॉन्स्पिरेसी रचा दो बैंक्स के साथ में, बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपॉलिटन बैंक, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के साथ में। किसने, हर्षद मेहता ने क्या बोला कि तुम मुझे फेक बैंक रिसिप्ट दो, फेक बैंक रिसिप्ट। और फेक बैंक रिसिप्ट के साथ, और फेक बैंक रिसिप्ट क्या थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर थे, दे आर नथिंग ऑफिशियल, बस क्योंकि वो तो फेक थे ना। अब हर्षद मेहता जाता था स्ट्रॉन्ग बैंक्स के पास में, वो फेक बीआरएस लेके, मतलब जो फेक बैंक रिसिप्ट है वो लेके, और वहां से वो फिर पैसा उठाता था स्ट्रॉन्ग बैंक से। और स्ट्रॉन्ग बैंक को क्या लगता था कि ये बैंक रिसिप्ट जो ये रियल है, और हम ये जो है ये लेंडर को देने वाले, ठीक है, तो हम तो ऐसा लगता था उनको। तो फिर और जो भी पैसा स्ट्रॉन्ग बैंक से वो उठाता था, वो पैसा वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, स्टॉक्स खरीद के, स्टॉक्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि एक दो ही बैंक इन्वॉल्व थे इसमें, बहुत सारे बैंक का एक इन्वॉल्वमेंट था, और स्टॉक मार्केट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और उन सब बैंक्स में और स्टॉक मार्केट में वो रोटेशन ऑफ मनी करता था, जिसके तहत वो स्टॉक्स इस तरीके से करता था, जिसके तहत जो स्टॉक्स वो खरीद रहा है उसके वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, ताकि जब टाइम पे जब प्रॉफिट होगा तब वो उसको बेच सके, ठीक है। तो ये बात होगी बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपॉलिटन बैंक कोऑपरेटिव बैंक की। तो ये इस तो फेक बीआरएस लेके ये स्ट्रॉन्ग बैंक्स के पास गया, अब उनसे उसने पैसा उठाया, और वो पैसा उसने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब स्टॉक एक्सचेंज में तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके साथ साथ जितने भी जो जुड़ने लग गए, जैसे कि बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि उसके कंपनीज के जो स्टॉक्स थे, इवन उसने कितने सारे बेनामी कंपनीज खोल रखा था, ऐसे कंपनीज जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, और उसके भी वो स्टॉक्स रखता था, उसके भी वो स्टॉक्स बना के रखता था, और उसके नाम पे भी वो वैल्यू देता था, उसके नाम पे भी वो स्टॉक्स रखता था। तो जो वो जो जो उसके तो जो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उसके साथ में आने लग गए, तो जैसी वैल्यू बढ़ते बढ़ते रहती, तो वैसी इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी फायदा होने लग जाता था उसके साथ में, क्योंकि उसके स्टॉक की वैल्यू तो बढ़ी रही है, और जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, तो वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहती थी और प्रॉफिट होते रहता था। तो जितने भी लोग इन सब के साथ में, हर्षद मेहता के साथ में थे, उन सब ने उस समय प्रॉफिट कमाया। लेकिन आखिर बात तो यही आ जाती है ना कि ये पैसा तो गवर्नमेंट का है ना, ये पैसा तो बैंक का है ना, तुम इसको कैसे स्टॉक एक्सचेंज में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, इट इज इलीगल ना, तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अलग बात है। तो लेकिन इस जो उसकी जो मॉडर्न ऑपरेंडेंसी थी उसको वो किसी को भी नहीं पता था, एक्चुअली वो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन जो है एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट, उसको कहीं से खबर पड़ी कि इस की SBI से 500 करोड़ रुपए गायब है और फेक बीआरएस इशू हुए,
और कहीं उसका नोट भी नहीं है। तो उसने इससे पहले कि वो हर्षद मेहता SBI को 500 करोड़ रिटर्न करते, उससे पहले ही वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो थी जिसका नाम था सुजेता दलाल, उसने जिसको मतलब पद्मश्री भी मिला है ऑनरेबल प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के हाथ से फॉर जर्नलिज्म, तो वो उसने ये पूरा रिसर्च की थी। और उसने इससे पहले कि वो SBI को पैसे लौटा था, उससे पहले ही उसने वो जो स्कैम है वो पब्लिश कर दी टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्कैम जो पब्लिश हो गया, तो अब जो जितने स्ट्रॉन्ग बैंक्स वाले लोग थे वो अलर्ट हो गए कि भाई अभी हमको अपना पैसा वापस चाहिए, क्योंकि ये तो स्कैम दिख रहा है हमको, हमको अपना पैसा जल्द से जल्द वापस चाहिए। तो हर्षद मेहता के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये स्कैम, बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी बड़े बैंक्स को पैसे देना। क्या करता वो, जितने उसने स्टॉक्स खरीदे उसको बेच डालता और पैसे दे देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आ चुकी थी, क्योंकि ये न्यूज़ पब्लिक बन चुकी थी, तो जो जितने भी कंपनीज थे, जो स्टॉक्स थे, उनकी वैल्यू घसर गई थी, क्योंकि लोगों ने स्टॉक्स वापस निकाल लिए थे, बेचने के अलावा स्टॉक्स वापस निकाल लिए थे ताकि नुकसान ना हो। तो स्टॉक्स एकदम से उन्होंने निकाल लिए थे और वो जो स्टॉक मार्केट था वो टोटल क्रैश हो गया था। तो अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, हर्षद मेहता के पास तो पैसे है नहीं देने के लिए, तो फिर वही CBI की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। ऐसी एक ही बैंक, ऐसे कई बैंक्स में कई कंपनीज के शेयर्स खरीदा था, स्टॉक्स खरीदा था हर्षद मेहता ने, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील हो गया, या फिर अपोलो टायर्स हो गया, और बहुत सारे और भी शेयर्स थे उसके, जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया वगैरह, उसके भी स्टॉक्स उसने खरीदा था। तो इस तरीके से तो वो मार्केट क्रैश हो गया, तो फिर क्या होना था, अभी हर्षद मेहता के पास तो पैसे है नहीं देने के लिए, तो फिर CBI इंक्वायरी बिठाएगी हर्षद मेहता के ऊपर, और उसकी पूरी जो कुंडली है वो निकाली गई कि ऐसा ऐसा इसने किया था, ऐसा ऐसा सब था, तो और उसको 5 years के लिए सेंटेंस किया था जेल बाय द सेशंस कोर्ट, और उसी जेल में फिर एट द एज ऑफ 47 उसकी डेथ हुई हार्ट फेलियर की वजह से। लेकिन इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोगों ने जो हर्षद मेहता के साथ थे, जिनको लगता था कि हर्षद मेहता हमको प्रॉफिट कमा के देगा, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी उनको दे दी थी, हर्षद मेहता को दे दी थी, तो वो जो लोग थे उनका तो पैसा पूरा ही गया ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो क्रैश हो गया, उनका पैसा पूरा ही चले गया। तो काफ़ी लोगों ने सुसाइड्स कर लिए, काफ़ी लोग, क्योंकि कोई तरीका नहीं था पैसा वापस लाने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। तो ये सब हुआ था। इवन जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, जैसे विजया बैंक का जो चेयरमैन था, उसने तक सुसाइड कर लिया था अपनी बिल्डिंग से जंप मार के। NHB जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है, यूको बैंक है, ये सब बैंक, ये जो है, इनके भी जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी अपनी जॉब गवाई इस चक्कर में। लेकिन हर्षद ने प्रॉफिट्स भी इतना बढ़ाया था कि विद इन 1 year उसने सेंसेक्स का जो वैल्यू है 4 times इंक्रीज कर दिया था, दैट द सेंसेक्स बिकम क्वाड्रपल्ड इन इट्स वैल्यू। और 1 year के अंदर अंदर ही जो ACC जो कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसका जो स्टॉक का रेट है वो 200 रुपये से लेके उसने 9000 के अंदर 9000 तक लेके चले गया था, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 4400%। बट एट द लास्ट ऑल दिस वॉज अ स्कैम। सो इस तरीके से हर्षद मेहता का स्कैम था। मैंने जितना इजीली बताने की बताना चाहा मैं उतना इजीली बता पाया, या मतलब जितना इजीली मैं बता सकता था उतना मैंने बताया। तो दिस वॉज द होल हर्षद मेहता स्कैम। एंड एट लास्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट मीन्ट टू डिफेम एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन, दिस इज ऑनली फॉर एन इन्फॉर्मेटिव पर्पज। ओके, सो थैंक यू, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू, बाय।